नमस्कार सभी का स्वागत इस वीडियो में। और आज आपसे बात करूंगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अंतर्गत कुछ चेंजेस जो हुए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर को। तो आज बात करेंगे चार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की। जी हाँ, चार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे। बहुत दिनों से आपको अपडेट नहीं मिल रहे थे, लेकिन सवाल बहुत आ रहे थे, उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। और चार केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड, जम्मू, कर्नाटका और केरला, इसकी मैं बात करूंगा, जो नए अपडेट आए हैं, खासकर इंटरव्यू को लेकर, इंटरव्यू की लिस्ट को लेकर, डॉक्यूमेंट्स को लेकर, फीस सबमिशन नहीं हो रहा है कुछ विश्वविद्यालय में, खासकर जम्मू के विश्वविद्यालय में जो शेड्यूल चेंज हुए हैं झारखंड और कर्नाटका विश्वविद्यालय के पीएचडी के, उसकी भी बात करेंगे। तो इन सभी बातों की चर्चा करेंगे इन चार विश्वविद्यालयों के एक एक करके। जिसका भी संबंध आपका है उसको आप जरूर देखिएगा और आगे तक वीडियो को शेयर करें ना करें, ये आपका दायित्व है, कोई बाउंडेशन नहीं है। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु की बात करते हैं। इसके विषय में एक चीज़ समझ लीजिए कि यदि आपने पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि मैंने पार्ट टाइम पीएचडी के विषय में भी आपको बताया था, यदि आपने तमिलनाडु विश्वविद्यालय में पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई किया था तो उसके एंट्रेंस की डेट और एडमिट कार्ड की डेट आ चुकी है, लेकिन अभी डाउनलोड नहीं कर सकते हैं एडमिट कार्ड को। वह डाउनलोड कर पाएंगे आप परसों की डेट में, यानी कि 20 अक्टूबर को, यानी कि 20 अक्टूबर को आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं तमिलनाडु यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम पीएचडी के लिए। और 29 दिसंबर को इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगली खबर है यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की। यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में 16 तारीख को भी एक सब्जेक्ट का इंटरव्यू, खासकर लिंग्विस्टिक का हुआ है, शेड्यूल को चेंज कर दिया गया है। और एक शेड्यूल और चेंज किया है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का, बिजनेस स्टडीज़ का पीएचडी के लिए, उसका नया शेड्यूल, इंटरव्यू की डेट है 22 दिसंबर 2020, समय है सुबह 11 बजे से, इस बात का रखिएगा विशेष ध्यान। और जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने किया है अप्लाई, आपके इंटरव्यू की डेट 2 से 3 दिन में चेंज हो रही है। चेंज होने के 3 कारण हैं। पहला है आपको यातायात के संसाधन नहीं है, दूसरा कि टेक्निक का फेलियर हो रहा है, सर्वर फेल है, और दूसरा सरकार की जो गाइडलाइंस आ रही है खासकर कोविड को लेकर, उसके मद्देनजर रखते हुए यह इंटरव्यू के शेड्यूल को चेंज किया जा रहा है। इसलिए आपको पैनिक होने की या घबराने की जरूरत नहीं है कि आपका तय तारीख पर इंटरव्यू नहीं हुआ है। वह प्रावधान विश्वविद्यालय पर भी फाउंडेशन कह लीजिए या दबाव कह लीजिए कि उनको भी एट अ टाइम इंटरव्यू के शेड्यूल को चेंज करना पड़ रहा है। इसीलिए आपसे मैं यही कहूँगा कि हर दिन अपनी वेबसाइट को जरूर चेक करें। अपनी वेबसाइट से मतलब है जिस विश्वविद्यालय में आपने अप्लाई किया है, जिस भी डिग्री या कोर्स के लिए, उससे संदर्भ में आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट को डायरेक्ट चेक करिए। आपके पास कोई कॉल या मेल आता है किसी की भी तरफ से, उस पर बिलीव मत कीजिए, कहीं पर मत देखिए, केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर या उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ही बिलीव कीजिए। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जांच पड़ताल जरूर कीजिएगा, यदि उस पर विश्वविद्यालय का लोगो हो, विश्वविद्यालय में किसी का साइन हो, स्टैंप हो, तभी उस नोटिफिकेशन को ही सही मानिए, नहीं तो नोटिफिकेशन भी कोई भी बनाकर उस पर अपलोड कर सकता है। क्योंकि आप भी जानते हैं 5-6 दिन पहले यूट्यूब और गूगल दोनों को हैक कर लिया गया था, उसी कंडीशन को देखते हुए ये बड़े बदलाव हुए हैं तकनीकी फेलियर के कारण से। और कई विश्वविद्यालयों में, खासकर कश्मीर विश्वविद्यालय की वेबसाइट में आपको #404 का जो एरर दिखा रहा है, उसका मतलब यही है कि वह वेबसाइट बहुत दिनों से हैक भी चल रही है और सर्वर भी फेलियर चल रहा है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भी नोटिफिकेशन आप देखते हैं उसके ऊपर विश्वविद्यालय का नाम, उसका लोगो, किसी का साइन या स्टैम्प और डेट यदि है तो ही उस नोटिफिकेशन में बिलीव कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चाहे कोई भी व्यक्ति आपको कॉल करे या मेल करे, कोई भी यूट्यूबर आपको सूचनाएं दें, यदि ये सोर्सेस नहीं है उसके पास तो उसकी जानकारी पर बिलीव मत कीजिए, चाहे मेरा ही कोई भी वीडियो या मेरी ही कोई सूचना क्यों ना हो। यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में जो नया शेड्यूल आया है बिजनेस स्टडी डिपार्टमेंट का पीएचडी के लिए, उसका है 22 दिसंबर 2020 और समय है सुबह 11 बजे। और जम्मू कश्मीर वाले बच्चे खासकर इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उनका फीस का प्रॉब्लम था और उनके इंटरव्यू के मोड का प्रॉब्लम था, उन दोनों ही सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला है यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का। यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में 14 तारीख से इंटरव्यू के शेड्यूल को पूरा चेंज कर दिया गया है, याद रखिएगा, क्योंकि मैंने जम्मू कश्मीर झारखंड यूनिवर्सिटी का जो नया शेड्यूल बताया था उसके लिए डिटेल में वीडियो बनाया था और उसकी जानकारी भी दी थी, लेकिन झारखंड यूनिवर्सिटी ने इंटरव्यू की डेट को बदल दिया है, सीट्स में बदलाव कर दिए हैं और नया रोस्टर सिस्टम लागू किया है। नए रोस्टर सिस्टम के तहत सीटों में बदलाव भी हुआ है, चेंजेस भी हुआ है, किस सब्जेक्ट की सीटों में क्या घटाव हुआ है, क्या बढ़ोतरी हुई है, उस सब की लिस्ट, हर विभाग की लगभग 21 विभागों की लिस्ट और 5 कैटेगरियों की लिस्ट मैंने नीचे दी है पीडीएफ फाइल में, हेडिंग में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। रोस्टर डिक्लेरेशन करके होगा झारखंड यूनिवर्सिटी का
किस सब्जेक्ट में, किस कैटेगरी में कितनी सीटों में बदलाव हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ यदि झारखंड यूनिवर्सिटी के बच्चों को अपने इंटरव्यू को लेकर, इंटरव्यू की डेट्स शेड्यूल को लेकर या इंटरव्यू के मोड को लेकर कोई भी सवाल समस्या हो तो मुझसे बेहतर है आप वहाँ के हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कीजिएगा। आपका सवाल फिर उठेगा कि हेल्पलाइन नंबर पर कोई फोन नहीं उठाता है, आपको मैं दो विकल्प देता हूं, डायरेक्ट आप रजिस्ट्रार या वाइस चांसलर को मेल कीजिए या कॉल कीजिए, दोनों ही व्यक्ति का ईमेल आईडी और फोन नंबर आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। और इन दोनों पर संपर्क तभी कीजिए जब नोडल ऑफिसर या हेल्पलाइन नंबर वाले आपकी मदद ना करें। पूरी लिस्ट 21 के 21 लोगों की, मैंने नीचे 23 लोगों की मैंने आपको दे दी है जिसमें उनके फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भी मौजूद हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, उसका भी आप यूज़ कीजिएगा। और जो नई डेट्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की, उसको ध्यान से आप नोट कर लीजिए। अभी प्रॉपर शेड्यूल नहीं आया है क्योंकि पहले शेड्यूल था 7 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर के बीच में आपके इंटरव्यू होने थे, अब उसको चेंज करके 14 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर कर दिया गया है, यानी कि 14 से लेकर 24 दिसंबर के बीच में आपके इंटरव्यू होने हैं यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में पीएचडी के कोर्सेज के लिए। बीए नहीं है, एमए नहीं है, एमबीए नहीं है और बीएड नहीं है, एलएलबी नहीं है, ओनली फॉर पीएचडी के स्टूडेंट, इस बात को विशेष रूप से ध्यान से सुने और समझें। अगली यूनिवर्सिटी है जो भयंकर सवाल आ रहे थे और बहुत प्रॉब्लम भी था, क्राइसिस भी था, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू रायसेना हिल के जो पढ़ती है, उसमें सवाल आ रहे थे बच्चों के कि उनका फीस सबमिशन नहीं हो रहा है, एडमिशन में सिलेक्शन हो गया है। फीस का पूरा प्रोसेस मैं समझाऊंगा कैसे करना है, क्या लिंक होगा वह भी बताऊंगा, मैं अर्ली भी बताऊंगा और नीचे आपको लिंक भी दे दूंगा, दोनों चीज़ों को ध्यान से समझिएगा और समझने के बावजूद भी कोई समस्या होती है तो सवाल ठोक दीजिएगा। जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही सुविधाएँ दी गई हैं इंटरव्यू के लिए। पहली चीज़, ये बड़ी चीज़ है जो कई विश्वविद्यालय नहीं कर रहे हैं, कुछ ही विश्वविद्यालय कर रहे हैं कि इंटरव्यू ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से ले रहे हैं स्टूडेंट्स की सुविधा के अनुसार। लेकिन तीन कंडीशन है इसके लिए भी, यदि आप ऑनलाइन चाहते हैं या ऑफलाइन चाहते हैं, आपको ईमेल के माध्यम से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को इंटरव्यू की डेट से कुछ दिन पहले या कहें कि लगभग 2 दिन पहले ईमेल करना होगा, अपना रीज़न देना होगा कि आप क्यों ऑनलाइन देना चाहते हैं और क्यों ऑफलाइन देना चाहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, आपको अपना रिसर्च प्रपोजल मांगा गया है, क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी में, मैं जम्मू कश्मीर नहीं बोल रहा हूँ, केवल जम्मू बोल रहा हूँ, याद रखिएगा, जम्मू यूनिवर्सिटी अलग है, कश्मीर यूनिवर्सिटी अलग है, इस बात को विशेष रूप से समझ लीजिएगा। बात हो रही है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से इंटरव्यू है, फीस जमा करने का माध्यम ओनली फॉर ऑनलाइन है, रिसर्च प्रपोजल पहले भेजना है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को। लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ साथ बहुत से विश्वविद्यालयों में रिसर्च प्रपोजल और पीपीटी दोनों मांगा गया है। यदि रिसर्च प्रपोजल और पीपीटी दोनों मांगा गया है तो दोनों आपको एक ही तारीख में, एक ही समय में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को मेल करने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अपना एडमिट कार्ड और प्रोविजनल फॉर्म, प्रोविजनल फॉर्म से मेरा मतलब है आपका अप्लीकेशन फॉर्म, जब आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का अप्लाई किया होगा मई और जून के मध्य में, जो आपने फॉर्म का फाइनली प्रिंट आउट होगा जिसमें फीस का रिकॉर्ड दर्ज होगा, इस डॉक्यूमेंट्स, इन चारों डॉक्यूमेंट्स को, आपका पीपीटी, रिसर्च प्रपोजल, आपका एडमिट कार्ड और आपका एप्लीकेशन फॉर्म, और यदि आपका नाम है उसके सिलेक्टेड लिस्ट में इंटरव्यू की, ये सभी दस्तावेज अटैच करके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भेजने हैं और अपना रीज़न देना है कि क्यों आप इंटरव्यू ऑनलाइन चाहते हैं या ऑफलाइन चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका शेड्यूल निर्धारित किया जाएगा। जम्मू यूनिवर्सिटी के बच्चे भी ध्यान रखें, और जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ साथ उड़ीसा यूनिवर्सिटी और जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी और झारखंड यूनिवर्सिटी में कई जगह पीपीटी भी मांगा गया है सिनॉप्सिस के साथ में, तो पीपीटी कई जगह 7 मिनट का मांगा गया है, कई जगह 12 मिनट का मांगा गया है और कई जगह 8 या 10 स्लाइड का मांगा गया है। इस चीज़ को गौर से सुनिएगा और समझिएगा, जितना समय मांगा गया है उसी अकॉर्डिंग अपनी चीज़ को एक्सप्लेन कीजिएगा, जितनी स्लाइड मांगी गई है उसी के अकॉर्डिंग स्लाइड को बनाइएगा, स्लाइड को एक प्रेजेंटेशन के रूप में बनाइएगा, आप शो ऑफ मत करिएगा, ज़्यादा डिजाइनिंग मत करिएगा, कलरफुल मत करिएगा, पॉइंट टू पॉइंट अपने रिसर्च क्वेश्चन को, रिसर्च एनालिसिस को, हाइपोथीसिस को, रिव्यू ऑफ लिटरेचर को, रिलेवेंस ऑफ टॉपिक को और रिलेवेंस ऑफ कंटेम्प्रेरी टाइम्स के अकॉर्डिंग अपने रिसर्च टॉपिक को एक्सप्लेन कीजिएगा रिसर्च प्रपोजल में विथ पीपीटी में। और दो चीज़ और समझ लीजिए, पीपीटी को प्रेजेंट करने का समय, पीपीटी को डिस्क्राइब करने का समय,
अपने प्रपोजल को सबमिट के साथ साथ समझाने या डिस्क्राइब करने का टोटल समय आपका 12 मिनट या 8 मिनट का होगा। ऐसा मत समझिएगा जो भी इस वीडियो को देख रहा है, चाहे वो सीयू सेट से संबंध रखते हो या ना रखते हो, या ड्यू से संबंध रखते हो या जेएनयू से संबंध रखते हो, पीपीटी हो को प्रेजेंट करने का समय, रिसर्च प्रपोजल को एक्सप्लेन करने का समय, अपने सभी क्वेश्चन हाइपोथीसिस और रिसर्च के अंतर्गत चैप्टराइजेशन को सभी को समझाने का समय कॉमन है। ऐसा नहीं होगा कि 8 मिनट तक पीपीटी समझाएंगे, फिर 5 मिनट तक सिनॉप्सिस समझाएंगे, फिर 2 मिनट तक सवालों का जवाब देंगे, 17 मिनट आपको नहीं दिए जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, सभी चीज को कम से कम शब्दों में एक तरीके से। यदि आपने डिबेट किया है, डिबेट का एक फॉर्मेट होता है एक्सटेम्पररी, जस्ट अ मिनट, कम से कम शब्दों में। जैसे कहा जाता है कि सत्सैया के दोहे ऐसे ज्यो नाविक के तीर, देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। कम से कम शब्दों में, दोहे की शैली में, श्लोक की भाषा में अपनी बातों को स्पष्ट कीजिएगा इंटरव्यू के दौरान। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और साथ साथ अब अगली चीज और लास्ट चीज इस वीडियो की, जम्मू कश्मीर के बच्चों को जो फीस का प्रॉब्लम आ रहा था, उस चीज को ध्यान से समझिए, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ही आप जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के होम पेज पर जाएंगे, होम पेज के राइट हैंड साइड पे 5 ऑप्शन दिखेंगे आपको रेड कलर के, जो ब्लिप कर रहे होंगे, उसके अंदर लास्ट के 2 ऑप्शन एडमिशन 2020 और ऑनलाइन फीस कलेक्शन, ये 2 ही ऑप्शन आपके लिए काम के हैं। फिर से बता दूं, जम्मू की वेबसाइट के होम पेज पर जाएंगे, राइट हैंड साइड में लाल रंग के 5 ऑप्शन ब्लिप कर रहे होंगे, ब्लिप में लास्ट के 2 ऑप्शन ही आपके काम के, और फीस का ऑप्शन सबसे लास्ट वाला है, ऑनलाइन फीस कलेक्शन वाला। उस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आप नए विंडो पर जाएंगे और उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 6 ऑप्शन मिलेंगे। एक मिलेगा कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ हिस्ट्री, पेमेंट मेथड और अबाउट इजी कलेक्शन, हाउ टू वर्क एंड ट्रमेंस सर्विसेज। इन 6 के 6 ऑप्शन में जो सबसे पहला ऑप्शन है कलेक्शन वाला, उस पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद जो नई विंडो खुलेगी उसमें ऑप्शन आएगा एग्री का। एग्री करने के बाद एक नए होम पेज पर जाएंगे। नए होम पेज पर कुछ नहीं करना है, कुछ सेटिंग्स करनी है मैं बता देता हूँ। जहाँ पहला ऑप्शन होगा स्टेट और डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट, वहाँ आपको सिलेक्ट करना है जम्मू एंड कश्मीर। याद रखिएगा, स्टेट डिवीज़न एंड डिस्ट्रिक्ट वाले कॉलम में लगभग आपके समक्ष 12 ऑप्शन होंगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग। आपको सबसे पहला ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर को सिलेक्ट करना है, इस बात का याद रखिए। उसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा इंस्टीट्यूशन का, इंस्टीट्यूशन यानी कि आपका संस्थान क्या है। उसमें आपका जो भी संस्थान है, जो भी विश्वविद्यालय है, चाहे जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय हो, जम्मू विश्वविद्यालय हो या कश्मीर विश्वविद्यालय हो, आपको जम्मू से संबंध है तो जम्मू पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद एक और ऑप्शन आएगा कलेक्शन का, कलेक्शन से मतलब है कि आप ये फीस पेमेंट किस चीज़ की करना चाहते हैं। वहाँ आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, एडमिशन फी 2020, एनुअल फीस 2020-21 और पीएचडी एडमिशन फीस। इन 3 चीज़ को समझ लीजिए। एडमिशन फीस 2020 का मतलब है जो जम्मू में ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए फीस सबमिशन का ऑप्शन है। जो दूसरा ऑप्शन है, जो बच्चे सेमिस्टर में हैं, जिनके एग्जाम अभी होने वाले हैं, उनको जो एनुअल फीस जमा करनी पड़ती है उनके लिए ऑप्शन है। जो तीसरा ऑप्शन है पीएचडी एडमिशन फीस, यह है आप लोगों के लिए। यदि आपका सिलेक्शन हो चुका है पीएचडी में जम्मू यूनिवर्सिटी में, तब आपको इस ऑप्शन का चयन करना है पीएचडी एडमिशन फीस, और उसके बाद जो कैप्चा होगा उसको आपको फुलफिल कर देना है। कैप्चा को फुलफिल करने के बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन होगा, उसको कर दीजिएगा। उसके बाद नया होम पेज खुलेगा, वहां आपकी बायोडाटा संबंधित आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, ईमेल आईडी का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, फोन नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ का। ये अगर सही नहीं हुई आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। जम्मू के संदर्भ में यदि कोई प्रॉब्लम होती है बच्चों को, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर की लिस्ट मैंने दी थी, इसीलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जम्मू का मैं वो वीडियो अटैच कर दूंगा जहां मैंने सभी हेल्पलाइन नंबर और इंटरव्यू के शेड्यूल, उसके पीपीटी के विषय में कैसे प्रेजेंट करना है, सिनॉप्सिस के विषय में डिटेल में समझाया था, आधे घंटे का वह वीडियो है, उसका भी लिंक नीचे मैं दे दूंगा, उसको भी ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, सवाल हो तो दाग दीजिएगा। तो जम्मू कश्मीर, कर्नाटका यूनिवर्सिटी, झारखंड यूनिवर्सिटी और उड़ीसा यूनिवर्सिटी के विषय में जो भी अपडेट थे छोटे बड़े, वह आपको देने का प्रयास किया। और जिन भी विश्वविद्यालय के फॉर्म निकले हैं उनको जल्द से जल्द कर दीजिए सबमिट, और आज बीएचयू की है लास्ट डेट फॉर्म को भरकर जमा करने की, उसको भर दीजिए। यदि आप नेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ क्वालिफाई हैं, उस बात का रखिएगा विशेष ध्यान। और चौधरी चरण सिंह का भी फॉर्म आ चुका है, जिसमें लगभग 1000 से अधिक पीएचडी की सीटें आई हैं, उसको भी जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिए,
उसका भी वीडियो आपको मिल चुका है। अगले किसी सूचना के साथ किसी और वीडियो में आपसे बहुत जल्द मिलूंगा। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। कंफ्यूजन होने पर, डाउट होने पर हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी पर संपर्क कीजिए। यदि संस्थान के ये हेल्पलाइन नंबर वाले व्यक्ति आपका जवाब नहीं देते हैं तो डायरेक्ट UGC के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर को डायरेक्ट संपर्क कीजिए। वह आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। यदि उसके बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, मैं दो विकल्प देता हूँ आपको। MHRD को यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को डायरेक्ट मेल कीजिए, और दूसरा, हर यूनिवर्सिटी में ग्रीवेंस सेल होती है, वहां संपर्क कीजिए, शिकायत दर्ज कीजिए, अपने सवालों को पूछिए, आपका जवाब मिलेगा। क्योंकि सही समय पर यदि आपका इंटरव्यू नहीं हुआ, आपकी फीस सबमिट नहीं हुई, तो साल खराब होगा। डिप्रेशन में आप अधिकांश लोग चल ही रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।